हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या करने चाहिए। फ्रेंड्स, गाड़ी चोरी होना एक कॉमन सी समस्या है, प्राय आपको देखने को मिलता है कि कहीं पार्किंग किए हुए हैं ऑफिस के नीचे, मॉल के नीचे या कहीं अपने घर के नीचे गाड़ी पार्किंग किए हुए हैं तो चोरी हो जाती है। तो यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको तीन काम अवश्य कर लेने चाहिए। सबसे पहला काम है कि आपको 100 नंबर्स पर पुलिस को इंटीमेशन करना है, सूचना देना है कि मेरी गाड़ी इस लोकेशन से, इस पार्किंग से चोरी हो गई है। इसलिए उसको देना है क्योंकि अगर हो सकता है कि वो गाड़ी कोई गलत आदमी के हाथ लग गया है और उस गाड़ी से आपको कोई कोई क्राइम कर दिया, कोई डकैती कर लिया, तो उसको पुलिस जो है, पुलिस सबसे पहले आपको पकड़ेगी और आपको ये प्रूफ करना होगा कि मैं उस गाड़ी में नहीं हूँ। तो जब तक आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं, तो पुलिस आपको पकड़ के रखे रहेगी। दूसरी बात, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन के पास जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको IPC 379 के तहत FIR दर्ज करानी होगी, जिससे उसमें आपको गाड़ी का पूरी डिटेल देनी होती है कि गाड़ी आपने कहाँ पार्क किया था, किस लोकेशन में किया था और किस काम के लिए गए थे ETC, उसकी पूरी जानकारी आपको FIR कॉपी में नोट करानी होगी। उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन करना है, सूचित करना है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। आपको प्रायः जो भी कंपनी का आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो प्रायः आपको इंटरनेट पर कस्टमर केयर का नंबर देखने को मिल जाएगा। आपको कस्टमर केयर का नंबर आप इंटरनेट से निकाल कर अपने इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करेंगे कि हमारी गाड़ी इस लोकेशन से चोरी हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी वाले को आपको 1 वीक के अंदर इसकी सूचना देनी होती है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट को जरूरत पड़ता है आइए हम देखते हैं। गाड़ी मालिक का आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और FIR की कॉपी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उसके बाद एक कोर्ट से ट्रेस कॉपी, उसमें लिखा रहता है कि पुलिस हमारी गाड़ी को बरामदगी नहीं कर पाई। उसके बाद आपको अगर गाड़ी मालिक के अलावा दूसरे से चोरी हुई है तो उस ड्राइवर का ड्राइवरी लाइसेंस अटैच कर दें। उसके बाद RC बुक और उसके बाद अगर आप गाड़ी लोन से लिए हैं तो उसका लोन का NOC, नो ड्यू सर्टिफिकेट। यदि आपका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट कॉपी लगानी होती है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी को 1 वीक से लेकर 15 दिन के अंदर आपको क्लेम सबमिट करना होता है। और हाँ, जब भी आप क्लेम सबमिट करें इंश्योरेंस कंपनी को तो जो भी ऑफिसर या जो भी कंसर्न एजेंट है उसे एक रिसीविंग अवश्य ले लें। इसलिए रिसीविंग ले लें क्योंकि हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले उस स्टाफ को निकाल दे, टर्मिनेट कर दे, तो फिर आपको फ्यूचर में कभी कंपनी ये ना बोले कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं पहुंचा। इसलिए आप अपने फ्यूचर के लिए उस एजेंट से या इंश्योरेंस कंपनी के जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे एक रिसीविंग लेटर सिग्नेचर कराकर अपने पास सुरक्षित रख ले, ताकि कभी भी उसको हम उस इंश्योरेंस कंपनी को शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर गाड़ी आपकी प्राइवेट है
या कमर्शियल है, यदि कमर्शियल गाड़ी है आप, तो आपको तुरंत ही अपने जिले के आरटीओ ऑफिस सूचित करना होता है ताकि उस गाड़ी से कोई अनहोनी घटनाएं घटे तो आप उसमें न फंसे। अगर ये सारे प्रक्रिया करने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले टाल मटोल करते हैं तो आपको कंज्यूमर फॉर्म में जाकर एक केस करना होता है, अपना क्लेम अमाउंट और कंपनसेशन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको लगभग 3 मंथ के अंदर कंज्यूमर फॉर्म से आपको जो इंश्योरेंस है एग्रीमेंट कॉपी के आधार पर आपको जो भी पैसा निकलता है तुरंत कंज्यूमर फॉर्म से आपको पैसा दिलवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जो भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे ताकि आप मेरे वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।